स्क्रीन पर आपको एक दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये शिवनार गांव है, नीलकंठ दरवाजे का नाम है। कभी किसी नेता ने कहा था, बाद में तंज भी कसा गया, कि सत्ता जहर है। सच्चाई ये है कि हर कोई इस जहर को पीना चाहता है। सबको सत्ता चाहिए। सत्ता का एक बड़ा सिंह द्वार लोकसभा का चुनाव बरस 2019, और लोकसभा के चुनाव में लोकतंत्र की अलग अलग परतों को जानने के लिए लल्लन टॉप एक चुनावी सफ़र पर निकला है। 6 टीमें निकली हुई हैं, उसमें से एक हमारी बिहार में टीम है, टीम तूफान, जिसमें हमारे साथी अमितेश हैं कैमरे के पीछे, स्वाति हैं और मैं हूँ सौरभ द्विवेदी। हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, बेलछी गाँव जा रहे थे। बाढ़ में पड़ता है बेलछी? बाढ़ में पड़ता है। ये बेलछी गांव था जहां पर एक नरसंहार हुआ था, साल 1977-78 का था, और इंदिरा गांधी आई थी, हाथी पर बैठकर गई थी, और जब देश के मीडिया में इंदिरा गांधी का वो फ़ोटो छपा था तो उसके बाद कहा गया था कि अब इंदिरा इज़ बैक, इस तरीके का एक पॉलिटिकल नरेटिव है, कहानी है जो हमने बार बार किताबों में पढ़ी है। बेलछी जाएंगे, उससे पहले शिवनार से गुजर रहे थे। शिवनार मोकामा में आता है, मोकामा मुंगेर लोकसभा का हिस्सा है। मोकामा का एक परिचय ये है कि अगर आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे तो एक यहाँ के चर्चित नेता हैं, विधायक भी हैं, निर्दलीय जीते हैं, इन दिनों कांग्रेस के प्रति उनका राग अनुराग उमड़ रहा है, उनका नाम है अनंत सिंह। इलाके में बताते हैं कि लोग छोटे सरकार बोलते हैं। छोटे सरकार क्यों बोलते हैं? काम किए तो इसलिए छोटे सरकार। छोटे सरकार हैं तो बड़ा सरकार कौन है? बड़ा सरकार है। 3-4 भाई थे। अच्छा। उसमें सबसे छोटे थे। तब लोग सरकार एको टाइटल जी दिया, छोटे छोटे कहते कहते छोटे सरकार लगा दिया। क्या फाजो सिंह को बड़े सरकार कहते थे क्या? नहीं, बिरंती सिंह नाम था। बिरंती सिंह नाम था। क्या कह रहे हैं? दिलीप सिंह को बड़े सरकार कहते थे। भाई है, भाई मैं छोटा है इसलिए उनको छोटे सरकार, छोटे सरकार भाई में। और कोई बात नहीं, बहुत अलग अलग मत मिल रहा है। बात है यही कि बिहार सरकार जो है सो बड़े सरकार है। अच्छा। और इनके दरबार में जो भी याचक जाता है खाली हाथ लौट कर नहीं आता है, इसलिए ये छोटे सरकार है। हमने भी यही कहानी सुना था है? क्या बात है। तो अनंत सिंह यहाँ से विधायक हैं, और अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी कांग्रेस के टिकट पर, यानी कि जो विपक्षी दलों का महागठबंधन है, चुनाव लड़ रही हैं। उन्हें चुनौती दे रहे हैं नीतीश की सरकार में मंत्री लल्लन सिंह, यही ना जानकारी है, सही है, राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह। इन दोनों के बीच ज़ोरदार मुकाबला है, और ये अनंत सिंह का इलाका है, और अनंत सिंह कुछ देर में यहाँ आने वाले हैं, इसलिए ज़्यादातर उनके समर्थक हैं, है ना। और अनंत सिंह का भोकाल यूँ समझिए कि 2015 में जब जेडीयू और आरजेडी मिलके चुनाव लड़ी थी, तब भी अनंत सिंह यहाँ से निर्दलीय चुनाव जीत गए थे, ज़्यादा मतों से, 18,000 मतों से। क्या नाम है चाचा आपका? शशिभूषण सिंह। शशिभूषण, क्या करते हैं आप? हम रिटायर सर्विस मैन हैं। सर्विस मैन मतलब? रिटायर हो गए। किस विभाग में थे? PhD में थे। ये कौन सा विभाग? पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग, लोक स्वास्थ्य अभिन्न प्रणाम विभाग, जो अस्पताल वगैरह बनाता है। नहीं, पानी वाटर सप्लाई जो है उसी विभाग के अंडर में आता है, पैखाना जो है जो शहर में होता है वो सब उसी के विभाग में आता है। ये बताइए कि जैसे अभी 5 साल पूरा हुआ मोदी सरकार का, शौचालय बनवाने पर बड़ा जोर रहा, ये कैसा कार्यक्रम है? ये अच्छा कार्यक्रम है, शौचालय बनवाना तो अच्छा कार्यक्रम है। शौचालय बदलाव दिख रहा है इससे गांव में? हाँ, खेत में जो लोग जाते थे जहाँ तहाँ, उसे बदलाव तो हुआ है, घर में लोग अब जाते हैं। तो यहाँ पे अनंत सिंह को इतना सपोर्ट क्यों मिलता है? क्या जातिगत वजह है, या जैसे इन्होंने कहा कि उनके यहाँ सबकी सुनवाई होती है? सभी जात के लोग, वो जो कहे सो सही कहे, वो कि वहाँ जाता है तो उसको मदद मिलता है, चाहे हॉस्पिटल का काम हो, कोई कहीं समस्या हो, वो तमाम चीज में वो मदद करते हैं। पर वो जो दबंगई वाला बात कहा जाता है? नहीं, दबंग वाला नहीं, नहीं दबंग वाला बात नहीं, दबंग वाला बात नहीं, नहीं, नहीं। दबंगई पे का बात नहीं, दबंग
मैंने शुरू में जो नाम होगा जो अथी होगा, लेकिन अभी दबंगई का कोई बात नहीं है। सब शुरू में थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं पूरा बताने। नहीं नहीं, नहीं। काम के मुद्दा पर सब उनको नहीं, नहीं, वो तो देखिए, हम तो आपसे बहुत विस्तार से बात कर रहे हैं। देखिए चाचा, होता क्या है ना, सुनिए, जैसे बाहर का जो लोग है ना, वो समझना चाहता है कि यहाँ कैसे नेता बनता है, कैसे उसका रुतबा कायम होता है, वो कैसे लोगों की मदद करता है, कोई विरोध करता है, कोई समर्थन करता है, तो सब चीजें समझेंगे ना। काम पर, उनके स्वभाव पर, मान लो जनता कैसा है स्वभाव उनका? बहुत बढ़िया स्वभाव है। अच्छा। बहुत मदद करते हैं, पैसा बांटते हैं बहुत गरीब। नहीं, पैसा कभी नहीं बांटते। नहीं, दिल बांटते हैं, दिल प्रॉब्लम। अच्छा, रुकिए, आ रहे पीछे। हाँ, दिल बांटते हैं जी। क्या कह रहे हैं, एक सेकेंड। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? जी, हमारा नाम नवीन कुमार सिंह है। नवीन कुमार जी, क्या करते हैं, खेती करते हैं? हाँ, खेती करते हैं। हाँ, क्या बता रहे थे आप अनंत सिंह? कह रहे हैं कि अनंत सिंह पॉपुलर हैं सामाजिक। वही तो हम समझना चाह रहे हैं, क्यों पॉपुलर हैं? इसलिए कि गरीबों को सुनते हैं, हर एक व्यक्ति का खड़े होते हैं, हर व्यक्ति के लिए वो खड़े होते हैं। आप मत खड़े होइए, आप बैठ जाइए। आप काहे खड़े हो रहे हैं? अच्छा, तो लेकिन सब विरोधी लोग कहता है कि ये दबंगई है एकदम, उसके कोई दबंगई नहीं है। विरोधी का तो बोलना काम है, जैसे जो जिसको नहीं मिल पाता है विपक्षी लोग को, जैसे अब आए पंचायती करने के लिए, तो जो न्याय ओरिजिनल होता है वो कर देते हैं, जो लोभी होता है उसको थोड़ा दिक्कत होता है। लोग कहते हैं कि न्याय करने वाले अनंत सिंह कौन है, उसके लिए कोर्ट है? कोर्ट नहीं है, सब जगह कोर्ट ही नहीं होता है। सामाजिक जो न्याय होता है उससे बढ़कर कोर्ट का न्याय नहीं होता है। जो सामाजिक न्याय है, सामाजिक बहिष्कार होगा तो उससे बड़ा कोर्ट बहिष्कार नहीं दे सकता है कभी भी। इसलिए यहाँ पर ही अनंत सिंह, गरीब अमीर, तो ये सामाजिक बहिष्कार। तो फिर क्या यहाँ मोकामा में कोर्ट का जरूरत नहीं है? नहीं, कोई जरूरत नहीं कोर्ट का, हम लोग कोर्ट हैं, जनता कोर्ट है। जब तक एडमिट नहीं करेंगे, जनता जाकर गवाह सबमिट करेंगे, तब तक कोर्ट कुछ नहीं करेगा, चाहे मूरी कट जाए, कोई नहीं करेगा कुछ। जनता है हम। पर ये कैसे तय हो गया कि इस कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो अनंत सिंह हैं? किसने? नहीं नहीं, कोर्ट का न्यायाधीश नहीं है। हाँ। सामाजिक न्यायाधीश हैं। अच्छा। समाज में जो दबे कुचले हैं, जिसको दबे कुचले हैं, उनको वो पनाह देते। पर उनके लिए तो संविधान बना है ना देश में? संविधान है, मगर संविधान देखता कहाँ? अभी भूखा टहल रहा है आदमी, भीख मांग रहा, कहाँ संविधान उसको देख रहा है? कहाँ कचहरी में उसको रोटी मिल रहा है? तब तो जेले जाएंगे। हाँ, डिग्री बांटता है, डिग्री तो कागज बांट रहा है, डिग्री तो MLA लोग चले जाते हैं, निरपति जैसे पढ़ा लिखा आदमी घरे में बैठा रहता है, ठिप्पा मार शासन करता, IPS को आदेश देता है। वैसे प्रजातंत्र में हम, वैसे प्रजातंत्र में हैं कि हंसी बढ़ता है। मूर्ख IPS को आदेश देता, जो इकोनॉमिक को कुछ नहीं जानता है वो अर्थशास्त्री मंत्री बन जाता है। बोलिए कैसा लोकतंत्र? सुधार कैसे होगा? सुधार होगा जब तक हम चोर नहीं रहेंगे, जनता जब तक चापलूस नहीं रहेगा तब सुधार हो जाएगा। हम लोग भी थोड़ा चापलूस हैं, जनता भी चापलूस है, तब ना मौका मिलता है उसको। सरकारी कर्मचारी को सुधारें, हर एक टेबल पर रुपया खोजता है, रुपया नौकरी भी लेता है, टेबल पर भी रुपया खोजता है। शिक्षा को सुधार करें, यही सब ना हम लोग चाहते हैं कि चाहते हैं रोटी दो, रोटी तो कायर मांगता है, जब तक भूदा है रोटी मांगने की जरूरत नहीं है। ये देश का बदलेंगे कौन? हम लोग। और ऐसा ही नेता चाहिए, अनंत सिंह ऐसा। अच्छा, पर एक बात बताइए, अनंत सिंह के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि कभी जनता दल में चले जाते हैं, कभी कांग्रेस में चले जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं इन सब चापलूसों का, चापलूसी देकर बाध्य हो जाते हैं। अभी तो ढूंढ रहे हैं, अभी तो जड़ पकड़े हैं, अभी तो जड़ पकड़े हैं। जड़ क्या है? जड़ कांग्रेस है, उसी की डाली है ये सब। अच्छा। और जितने शाखाएं हैं वो कांग्रेस की डाली है। तो
कांग्रेस का इतना छीछा लेदर क्यों हो गया है? छीछा लेदर हो गया, उसका स्वार्थ पूर्ति नहीं हुआ, चोर सब गया, स्वार्थ पूर्ति नहीं हुआ कुल अपना। चोर था कांग्रेस में? कांग्रेस में चोर कौन था? कांग्रेस में चोर नहीं था, कांग्रेस तो ठीक था, जड़ में शाखा जो है, अरे शाखा में कोई कांटा निकल गया, कोई बबूर निकल गया, कोई नागफनी बन बन कर उसको डस लिया, कांग्रेस को हिसाब डस लिया। हाँ, ये जो जड़ को है ना, ये सुखाने पर है कि कैसे सुख जाए, ये कांग्रेस सुख जाए, अहम माँ बाटा ने बलिदान दिया कांग्रेस। सवाल तो सुनिए, अगर कांग्रेस इतना अच्छा है तो 1990 से लेके अब तक जीत क्यों नहीं पाया? इसलिए कि चापलूस लोग, जो क्षेत्रीय पार्टी है, जो क्षेत्रीय पार्टी है, लालू यादव का पार्टी, लालू पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी है, जैसे छोटा छोटा पार्टी भी पता है कि बिहार का ही पार्टी है। सुनिए, नाम में राष्ट्रीय जोड़ने से राष्ट्रीय नहीं ना होगा। नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, वो राष्ट्रीय जनता दल उनका नाम है कि नहीं, आपसे पूछ रहे हैं है कि नहीं, तो राष्ट्रीय पार्टी हुआ कि नहीं, नाम में जोड़ने से। तो क्यों देता है सर्टिफिकेट राष्ट्रीय जोड़ता है उसको, क्यों क्षेत्रीय जोड़ता है सरकार, क्यों ऐसा ऐसे पार्टी को लाइसेंस देता है, बोलिए क्यों देता है? क्षेत्रीय का कोई लाइसेंस नहीं होता। हाँ, होता है नहीं तो कैसे नीतीश जी बन गए, कैसे लालू जी मुख्यमंत्री बन गए, जब क्षेत्रीय पार्टी ने दिए तब कैसे जनता। अब अभी अरे दो तरह का प्रशासन है, एक राज्य और एक केंद्रीय, दोनों में कब समानता होगा? जब हम लोग नहीं सुधरेंगे, नेता लोग नहीं सुधरेंगे, और हमारे नेता को भी सुधारने वाले हैं। अच्छा। हाँ, हमारे नेता को भी सुधारने वाले हैं, इसीलिए तो सब उनको दबंग बोलता है। अच्छा, दबंग रहेंगे नहीं, नेता जब सुधर जाएंगे तो दबंगता तो आ ही जाएगा, बुझिए आएगा कि नहीं। और लोग बोलते हैं वो कानून अपने हाथ में लेते हैं। नहीं, कानून को तो सम्मान करते हैं। हाँ। कौन कहता है वो कानून को सम्मान, कौन से कानून ने उनको अधिकार, कानून को तो अभी सम्मान कर रहा कि इन लोगों को जो भीड़ देखेगा तो जाकर जो पिस्तौल लुका देगा। हाँ, सरकार को पिस्तौल लुका देगा, कहो बम लुका देगा, कहेगा अनंत सिंह बम पिस्तौल रख दिया। हाँ, ऐसा हो रहा है, ऐसा रोज घट रहा है, प्रत्येक दिन हम लोगों को बाधा दे रहा है। अच्छा। हाँ, इस सरकार पर पहले तो ये बड़ा करीब थे सरकार के। करीब कहाँ थे, निर्दलीय थे करीब। अरे पहले, अरे पहले थे चेला चेल, गुरु नहीं होता। पहली बार। अरे चेला चेला रहता है कि गुरु हो जाता है। चेला कौन है? चेला अनंत सिंह थे, अब गुरु हो गए, प्रोफेसर हो गए। अच्छा। प्रोफेसर चेला थे तब गुरु कौन था? चेला थे तो गुरु तो थे नीतीश बाबू। अच्छा, गुरु नीतीश। लेकिन वो अधूरा गुरु थे, पूर्ण ज्ञान नहीं दिए। हाँ। उत्तर का सब अपने दिमाग रख के इन्हीं को मारने लगे। अच्छा। तब क्या करेंगे, हम जान दे देंगे, बोल दीजिए, जान तो नहीं देंगे। हाँ। तो अपना आगे जड़ पकड़ लिए। अच्छा। ये बताइए कि लालू यादव जेल में है, लालू यादव यहाँ पे लालू और उनकी पत्नी राबड़ी का 15 साल शासन रहा, कैसा काम किया था उन्होंने? वो भी ठीक थे, वो भी कोई गलत नहीं थे, राबड़ी जी भी गलत है। क्या ठीक था बताइए, कोई एक काम बताइए जो उनके टाइम पे हुआ हो। उनके काम में जो भी जाए मनमना ढंग से काम करे, इससे बढ़ के और क्या होगा, बोलिए। तारीफ कर रहे हैं कि मजे ले रहे हैं? नहीं, मजा नहीं ले रहे हैं। अरे जो भी जाए मनमाना काम करे, इससे ठीक क्या होगा? हाँ, इससे ठीक कोई काम हो सकता है? गजब है महाराज। अच्छा ये बताइए, एक आखिरी सवाल, 5 साल से नरेंद्र मोदी का सरकार है, कैसा काम किया है सरकार? काम तो बेहतरीन किया है। हाँ। हाँ, काम तो उसमें बेहतर, मगर ये देख लिए मौज की बात है, यहाँ पर ही उनके लिए मौज की बात है। अच्छा। हाँ। मौज का बात तो आप बता दिए, क्या बढ़िया काम किया है 5 साल? कौन? नरेंद्र मोदी। ऐसे तो नरेंद्र मोदी पूंजीपति के सरकार हैं, ओरिजिनल बढ़िया काम थोड़ा सा हम लोग भूखे हैं, भूखे को रोटी फेंको दौड़नाएंगे, समझे? वही काम किए नरेंद्र मोदी, भूखे को रोटी दिए। हाँ, रोटी दिए, दौड़ा दिए, बस यही काम, और कोई विशेष काम।
ऐसे गरीबों के लिए बोल रहे थे कि मकान बनवाया, शौचालय। अरे मकान तो रोज बनता है, रोज गिरता है, वो क्या बनावेंगे। मकान तो रोज गिर रहा है, रोज बन रहा है। और जिसको अपना भुदा में ताकत है, वो भीख मंगा कर मकान में सोनार में रहने, बलदोबरी दे रहा है, बना लो। ये बताइए, बना लो। अच्छा, एक ये हम लोग लेने के लिए तैयार हैं जहाँ मकान। ये लालू यादव और सब लोग अनंत सिंह को टिकट देने का इतना विरोध क्यों कर रहे थे, उनकी पत्नी को क्यों लड़वाना पड़ा? ये तो भाई निजी मामला था, ये तो अनंत सिंह बता देंगे। नहीं तो टिकट तो अनंत सिंह मांग रहे थे ना। अरे तभी अनंत सिंह कह तो रहे हैं, जिसके पास ताकत है, जिसके पास आदमी है। आदमी अनंत सिंह के पास, तो उनको टिकट क्यों नहीं दिए? किनको नहीं दिए? लालू यादव सब विरोध क्यों कर रहे थे भाई, अनंत सिंह को टिकट नहीं देंगे? अरे लालू जी को तो कुल मिलकर रेत दिया है। अच्छा। हाँ, कुल मिलकर रेत दिया। कौन मिलकर रेत दिया है? जो विपक्षी उनका होगा वही ना रेतेगा, हमें आप थोड़े रेत दीजिएगा। हमारा क्यों रेत दिया? कुछ गलत तो किए होंगे, कोर्ट तो कह रहा है गलत किए। अरे जहाँ मिल गलो तोरा कुर्सी तो हो गलो पुरखा, हमें हो गए नौकर, वो अगर अखना कुर्सी पर रखिन। लालू जी कुर्सी पर नहीं रखिन, कुर्सी पर रहती ना तो वो बोलबो नहीं करती ना। कुर्सी पे तो रहते हुए ही गिरफ्तार। अरे कुर्सियों पर तो वह बैठलखिन, छलका पट करके छीन ललखिन। अच्छा, कुर्सियों पर तो लालू जी ना बैठलखिन जी, नीतीश जी के। हाँ। बैठलखिन कि नहीं से पूछो तोरा से। लालू जी ने बनाए? हाँ लालू जी बनाए ने, पूछा जी बनाए है कि नहीं जनता। हाँ, आपका है नहीं? 2015 का बात कर। हाँ, 15-14 रहे या कोई रहे, बनाए कि नहीं बनाए? और नीतीश जी कह रहे कि हम लालू के लड़के। नहीं नहीं नहीं, कहते वो आए 25 या 62 अंतर है आकाश जमीन का। 25 तो नहीं है, ज्यादा रहे, कहने का मतलब एग्जाम अपनी मर्जी से घुमा देते हैं आंकड़ा। अरे गुरु, कितना उम्र हुआ आपका? 70 में चल रहे हैं। अरे बहुत सही चल रहे हैं, बहुत सही चल रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? चंदन कुमार सर। क्या करते हैं चंदन आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं कहाँ? यहीं गांव में ही जी। क्या मजदूरी करते हैं? चापाकल गाड़ते हैं। चापाकल हैंडपम्प को बोलते हैं जी। क्या रेट चलता है चापाकल पर लगाने का आजकल? 400 रुपये मजदूरी है पर डे का। 400 रुपये कितनी? यहाँ तो बहुत ऊपर है पानी, वाटर लेवल तो कितने? 180-200 फीट है। 200 फीट है यहाँ पे जी? ये तो नदी के पास का। उससे कोई मतलब नहीं है सर, 200 फीट होता है। अच्छा, क्योंकि हम जैसे पूर्णिया मधेपुरा में थे, बोल रहे थे 15-20 फीट जी। नहीं, यहाँ 200 फीट जाना पड़ता है। 200 फीट जाना पड़ता है। अच्छा, तो आपका कोई राशन कार्ड वगैरह बना है? जी नहीं, हमारा तो फिर नहीं बना, पिताजी का पर चल रहे हैं। पिताजी का चल रहा है, तो पिताजी को राशन वाशन मिलता है सब समय पे? नहीं, कुछ नहीं मिलता। तो शिकायत नहीं की आप अनंत सिंह से कि हमको राशन नहीं मिलता? कौन सा चार मजदूरी छोड़ के कहाँ जाएंगे शिकायत करने के लिए? अच्छा, आप नहीं जाते? नहीं, अपना काम कर लेंगे। काम करते हैं सिर्फ, हम उनको वोट देने का मतलब। वोट देने का? कैसे तय करते हैं कि वोट किसको देंगे? कौन बताता है? कोई नहीं बताते, कोई नहीं। कैसे तय करते हैं, क्या देख के तय करते हैं? सरकार का काम, भाषण नेता का, कौन वोट मांगने आया, जात बिरादरी, बड़े बुजुर्ग, कैसे तय करते हैं? नहीं, जो बढ़िया काम जिसके बारे में सुनते हैं, जो बढ़िया काम करते हैं उनके, उनको वोट देते हैं। नरेंद्र मोदी का सरकार 5 साल पूरा कर लिया, कैसा काम किया? नहीं, बहुत अच्छा काम किया। और नीतीश कुमार का सरकार कैसा काम? उनका भी काम ठीक रहा। और जैसे ये कांग्रेस पार्टी जो कुछ बोल, कांग्रेस ने क्या वादा किया इस बार, पता है कुछ आपको? वही के पहले सब पार्टी वादा करती है। हाँ, तो वादा कुछ तो सब करता, पूरा थोड़े कोई करता। कांग्रेस ने क्या वादा किया? वही बोला था कि 72,000 देंगे, ऐसे कुछ बोला था, डिटेल्स तो नहीं पता। अच्छा, 72,000 तो लोगों पे असर हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं असर। मोदी सरकार क्या वादा की है इस बार? नहीं पता सर। घोषणा पत्र में कुछ उन्होंने बोला होगा? जी नहीं, हमको नहीं पता है। नहीं पता। आपके यहाँ से कौन कौन चुनाव लड़ रहा है? यहाँ से ललन सिंह और अनंत सिंह है। ललन सिंह और अनंत सिंह। तो ये गांव के गरीबों के लिए क्या कुछ काम हुआ है पिछले 5-10-20 साल में? तो नहीं, जब से विधायक बने हैं तब से तो अच्छा काम किए हैं अनंत सिंह। अब लोकसभा में क्या करेंगे वो तो देखना है। पर ये बार बार ये पार्टी कभी निर्दलीय, कभी इससे कभी उससे, इसका फर्क पड़ता है लोगों पे? जी नहीं, वो पार्टी जितने भी बदल लें, लेकिन जो उनके तरफ है वो किधर भी जाएंगे वो उनके तरफ ही रहेंगे। अच्छा, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस पार्टी में? कहीं भी जाएंगे, निर्दलीय भी रहेंगे तो भी जीते हैं, पार्टी से भी जीते हैं, और अभी कांग्रेस में हुए हैं तो भी जीतेंगे। इसकी वजह क्या है, इतना क्यों लोग जुड़े हैं उनसे? तो उनका भाव पूरे आते जाते रहते हैं, रोज आते हैं, खास पहचान है उनका। खास पहचान है क्या? उनका खास पहचान है क्या? पहचान है
उनको हर जगह पकड़ है ऊपर से नीचे तक। तो इतना पकड़ कैसे बन गया? उनको पकड़ है पब्लिक के द्वारा पकड़ है, और कैसे पकड़ है? पब्लिक उनको जिताया है, उनको उतना ताकत है, उतना बल है, तो ऊपर सेंट्रल तक पकड़ है। वो अपना काम करते हैं, करवाते हैं, गलियारा से लेकर के टाल से लेकर करके किसी भी गरीब का दुखड़ा सुनते हैं। और क्या, कोई भी हॉस्पिटल के नाम पर जाता है उसका निदान करवाते हैं, जहाँ तक होता है साफ सुथरा काम बोल देते हैं। अच्छा। सोने की उलटपट वाला काम नहीं करते हैं कि काम होगा, वो टार बहटार वाला काम नहीं करते हैं। कभी भी जा सकते हैं? हाँ, कभी भी जा। उस जगह वहाँ दरबार लगता है, वहाँ है पटना हार्डिंग रोड, बिरसा मुंडा, वो जो है ना पार्क, उसी के बगल में हम गए हैं, एक दो बार गए हैं। वहाँ नाश्ता भोजन सब व्यवस्था रहता है। कोई भी काम के उद्देश्य से जाइए, ऑफिस का फोन नंबर लेकर जाइए, तुरंत ऑफिस में फोन करते हैं, काम होने का रहेगा तो हो के ही रहता है। अच्छा। हम अपना गाड़ी के डीटी ऑफिस गए थे तो वहाँ हमको काम करवाए। वहाँ जो बोला जो लगा हुआ स्कूल वैन, हाँ, हमारा कागज गड़बड़ाया हुआ था, और उसके बाद वहाँ काम नहीं कर रहे थे पटना डीटीओ, रोटार बटार करते थे। वहाँ से हम फोन करवाए, तुरंत काम हुआ। उसके बाद उनके नज़दीक जब गए डीटीओ के नज़दीक, तो कहते हैं आप पैरवी करवाते हैं। हम बोले पैरवी नहीं करवाते हैं, हम उनके वोटर हैं, वोट दिए हैं, हमारा हक है विधायक पर, इसी चलते विधायक जी आपको सूचना दिए हैं कि जनता का काम है, कर दीजिए, नहीं तो जनता कल बवाल करेगा तो फजीहत हो जाएगा। अच्छा। तो काम हमारा हुआ, समूचे टाल में घास लूट जैसे तैसे रहता है, कहीं घोड़सवार, कहीं हर जगह मैनेज करवाते रहते हैं। गुंडा लोग डरा हो रहता है उन लोगों से। विपक्षी तो कहते हैं कि वही सबसे बड़ा गुंडा, वो तो आखिर विपक्ष है कैसे, वो तो गुंडा कहबे ना करेगा, तो आखिर जीतते हैं कैसे है? जिसे हम गुंडा हैं जो वोट दे देंगे, गुंडवान उनको वोट देगा? हर कोई इंसान तबका का आदमी इतना वोट तो जीते कैसे? अबर भी सूरज सिंह का भाई खड़ा थे, ललन सिंह मोकामा वाले खड़े थे, नीरज जो कि प्रवक्ता हैं जदयू के वो खड़ा थे, हैं सब सबके रहते हुए निर्दलीय जेल में थे तो भी 53,000 वोट उनको आया। जेल में क्यों थे? जेल में थे, उनको पुटू हत्याकांड में साजिश के तहत फंसाया गया था, जबकि वो नहीं थे। हालांकि पुटू हत्याकांड जो हुआ था सो वो लड़की के चलते हुआ था, बाढ़ में लड़की को कमेंट करती थी, कुछ लोग जैसे तैसे कर करके उसको मार दिया, उसमें उनको फंसवाया गया था। वो रहते हैं पटना में, बाढ़ में लाठी बंदूक लेकर चले गए, जो मार ले पीट ले, ऐसा तो होता पहले जो रहे, लेकिन अभी साफ सुथरा ऐसे ही है, चार चार पाँच पाँच बार से जीत रहे हैं, एक लगातार मोकामा क्षेत्र का जनता जीता रहा है, इजरी को बात नहीं है सर। कौन फंसा दिया उनको हत्याकांड में? फंसा दिया राजनीति चक्कर में, ऊपर वाला कुल फंसा दिया, और कौन फंसा दिया? वो पप्पू यादव आए, और कौन कौन नेता आए, वही सब हल्ला बवाल किए। विकास वैभव सीनियर SP पटना जिला के थे, वही सब क्या क्या हुआ ऊपर का बात हम पब्लिक कैसे जाने, यही सब बात है सर। यहाँ देखिए उनके काम और विकास का लहर है, विरोधी तो रहना जरूरी नहीं, बिना विरोध का कोई काम होता है, लेकिन उनका लहर है, शांति है। हम लोग टेम्पू चलाते थे 20 वर्ष से, जो हमको टैक्स वगैरह नाजायज लगता था मोकामा में, अभी नहीं लग रहा है उनके शासन। अब ना, अब किसका नाम बतावे, आखिर अभी भी हम रोड में चलते हैं, इनाम कैसे लेता था मोकामा के लोग लेते थे, नाम कैसे बता दे? गुंडा टैक्स? हाँ, गुंडा टैक्स तो और क्या, अभी नहीं लगता है, कहीं भी नहीं लगता है। गरीब गुरबा कोई भी रिक्शा लेकर जाता था, उसके रिक्शा पर मसूर का बीज जैसे तैसे बैठ कर करके जने तने लोग जाते थे। अभी पूछ लीजिए जो रिक्शा चालक है या कोई भी है कि उनको कोई तंग फजीहत करने वाला है, कोई नहीं करता है, जैसे भी हो नहीं करता है। कोई भी दुकान दौरी है यही है, यही पहले बहुत दिक्कत होता था दुकान वाला का या गरीब तक, तो नहीं होता भाई साहब। अरे लोग साबुन है तो साबुन टैक्स मांगते थे, ऐसे करते थे, उसे करते थे, अब किन्हीं के साथ होता है, है? होता है आप जो उचित है सो बोलिए, कहीं भी कोई नहीं, अमन से शांति है एकदम से हर जगह। आखिर नीचे से ना शांति में पहला सीढ़ी चढ़ेंगे, नहीं तो अंतिम हम सीढ़ी कहाँ से चढ़ जाएंगे। क्या नाम है आपका? शिवम। पढ़ने जाते हो? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेवन में। सेवन में। और ये भी पढ़ने जाती है? कौन है, इसको जानते हो? नहीं। बुलाओ इधर आओ बिटिया, इधर आओ, आ जाओ। क्या नाम है आपका? कोमल कुमारी। कोमल कुमारी, जोर से बोलो। कोमल कुमारी। कोमल पढ़ने जाती है? कोमल कहाँ पढ़ती है? सरकारी में। सरकारी में, कौन सी क्लास में? फाइव। फाइव में पढ़ती हो? अनंत सिंह जानती हो कौन है? नहीं जानती। नरेंद्र मोदी जानती हो? किसी नेता को जानती हो? नेता कौन होता है? सरकार। हाँ? नहीं, नहीं, नहीं।
चलिए, ये शिवनार गांव है जहां पे अनंत सिंह के समर्थक बैठे थे और उन समर्थकों से हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि किसी इलाके में जब किसी का ठिया, किसी का गढ़ बनता है, किसी का मोर्चा मजबूत होता है, तो किन किन स्तरों पर उस नेता का जो सिस्टम है वो काम करता है। किसी ने बताया कि साहब पहले दबंगई होता था, अब नहीं होता है, और ईमानदार समर्थकों ने ये खुल के कहा कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस पार्टी के हैं, हम उनके साथ हैं। है चाचा, बाकी ये बताइए कि खेती किसानी में पहले ज़्यादा बरक्कत था कि अभी ज़्यादा बरक्कत? देखिए, हम तो किसानी व्यवस्था में देखते हैं कि अभी स्थिति अच्छी ही हुई है पहले से खाद पानी की। गाँव में जो किसान को दिक्कत था, अभी 40 गो बोरिंग खुद लगाए हैं विधायक जी। खेती बेहतर हुआ है। मैंने वो जो लगाए जो था उसमें अभी 40 गो बोरिंग इस साल में कराए हैं। अच्छा, विधायक निधि से करवाए? हाँ, विधायक करवाए। और मोदी सरकार कैसा काम की 5 साल? मोदी जी की स्थिति भी ठीक ठाक रही है। मोदी जी की भी स्थिति ठीक रही है। क्या अच्छा बुरा काम किया? अच्छा बुरा काम तो देश हित में उन्होंने अच्छा ही किया है। देश हित में तो मोदी जी का भी काम अच्छा ही हुआ है। और ये राहुल गांधी जो बोलते हैं, वो उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? नहीं, हम लोग के समझ में आता है कि उनको मतलब नहीं है, हमको जमीनी नेता है। राहुल गांधी से कोई मतलब नहीं? नहीं, हमको अनंत सिंह से है, मेरा जमीनी नेता। तो अनंत सिंह का नेता राहुल गांधी हो गया है? हो गए तो ठीक है, और अच्छा है लोग मिले हमसे। जितने पार्टी मिलेंगे सब काम तो अनंत सिंह किए हैं। पर अनंत सिंह वहाँ जब ऊपर अगर दिल्ली जाते हैं तो उनका नेता तो राहुल गांधी होगा, तो राहुल गांधी के बारे में आपका क्या सोचना है? ठीक बात है। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? राहुल गांधी तो देखिए, उनकी व्यवस्था या उनका जो बैलेंस है वो ठीक ठाक नहीं नज़र आ रहा है। या उनका जो मंतव्य वगैरह भी जो निकलता है, हाँ, वो उतना सटीक नहीं लग रहा है। हाँ, जैसे मिलिट्री वगैरह का जो विरोध उरोध किए हैं, इसका विरोध किए हैं? मिलिट्री वगैरह का जो है ना, तो उससे लगता है कि राष्ट्रहित में उनका फैसला नहीं जाता है। ये एक बात है। और ये लालू यादव का जब शासनकाल था वो कैसा था? लालू यादव जी के शासनकाल में कई तरह की दबंगई आई, कई तरह का काम धाम हुआ, काम भी किया उन्होंने, लेकिन हाँ यही रहा। और अब उनका बेटा तेजस्वी आया है, उसके बारे में क्या राय है? तेजस्वी जी लगे हुए हैं, लेकिन अपने वो जो कदम नक्शे पर लालू जी थे उसी नक्शे पर ये भी चल रहे हैं। दबंगई वाले लालू जी को तो आपने दबंगई वाला बताया। हाँ, तो लगभग मिला जुला ही है ये स्थिति इनके साथ भी। दबंग कौन ने है? हाँ, मिला जुला कर नीतीश कुमार दबंग नहीं है, प्रधानमंत्री दबंग नहीं है, सब दबंगे है। अनंत सिंह दबंग है? कोई नहीं, सब दबंग है। अब एक एक के जवाब है, सब दबंग है। साधारण आदमी का काम नहीं है MP का चुनाव लड़ना। हाँ, कुल दबंग है, जहाँ जो है सब दबंग है। प्रधानमंत्री भी बताइए चाचा कि कोई आम आदमी क्या किए? हाँ, मुद्दा भटका के अभी जो है सो पलटू चाचा के साथ आ गए, तो किसके साथ चले गए? पलटू चाचा कौन? नीतीश कुमार। अच्छा, तब पलटू चाचा वही है। आज तेजस्वी के बारे में बोले, कैबिनेट मंत्री 5-5 पोर्टफोलियो एक आदमी को दिया गया। कौन दिया? हम मुख्यमंत्री थे कि नीतीश कुमार ने दिया? हैं, तो क्या कहा जाए? सब नीतीश कुमार के साथ वाले कहते हैं कि पलटू तो अनंत सिंह भी हैं, कभी इस पार्टी के साथ, कभी निर्दलीय, कभी कांग्रेस के साथ। हाँ, तो अनंत सिंह नीतीश कुमार नहीं हो सकते हैं, ये हैं यहाँ का स्थान, ये हैं। अच्छा,
वो लोग हैं बड़े बड़े भारत भर के लीडर हैं, लोगों का कोई क्रेडिट नहीं है तो ये दबंग कहाँ से रहेंगे। कभी उसके साथ हैं, कभी उसके साथ हैं, काफिला सब जोते हैं साथे। जमीनी नेता हम नहीं बोल रहे हैं, जो नेता बोलते हैं हम तो सिर्फ बता रहे हैं क्या बोलते हैं। हमारा काम सवाल पूछना है, हम पे ना चिल्लाइए। दबंग नहीं है, आज से 3 महीना पहले किसके साथ थे अनंत बाबू? आप आज से 3 महीना पहले किसके साथ थे? आज दबंग हो गए और 3 महीना आपको दबंग नहीं थे पहले, आज दबंग हो गए। सब जेडीयू वाला ऐसे बोल रहे हैं तब? हाँ नहीं भाई, तब तो हम आज साथ हैं। अच्छा, तो अलग हो गए तो दबंग हो गए। लल्लन सिंह भी ऐसे ही बोल रहे थे, एक बयान आया था ना स्वाति, क्या बता रही थी आप वो बयान की? वो हमारे साथी हैं। अलग खबरों में आया था कि बात पैचअप करने की कोशिश की जा रही है, और ये था कि लल्लन सिंह चाहते थे यहीं से लड़ना, और ये अनंत सिंह अपनी ख्वाहिश जता चुके थे कि वो लड़ना चाहते हैं, तो एक टसल था। फिर इनको मिलने के लिए बुलाया था अनंत सिंह को पटना में, तो लोगों ने पूछा कि क्या पैचअप के आसार हैं, तो उन्होंने कहा कि वो गए कब थे, मतलब खबरों में ऐसा आया था कि वो कि वो गए कब थे जेडीयू से, जो साथ वापस कम बैक आएंगे। चलिए, ये बहुत सारी राजनीतिक व्याख्याएं हैं, बहुत सारे मंतव्य हैं। मकसद शिवनार में रुकने का ये था कि जो अनंत सिंह के समर्थक हैं उनकी तर्क पद्धति क्या है, लोकतंत्र के अलग अलग स्तर, अलग अलग रूप, अलग अलग विश्वास, और उन सब तक पहुंचने की अपने तई ईमानदारी से कोशिश कर रहा है आपका अपना दी ललन टॉप। देखते रहिए चुनाव यात्रा। उस बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो वो ज़रूर बताइएगा, और आपको तो बहुत प्रणाम।